अरे आज तो कितने सारे घर पर काम पड़े हुए हैं, अभी तक मेरा एक भी काम नहीं हुआ है। देखो तो सही, घर पर झाड़ू मारनी पड़ी है, इतने सारे बर्तन धोने बाकी हैं, और कपड़े कपड़े तो इतने गंदे लग रहे हैं, कपड़े भी धोना है। अरे अब मैं क्या करूँ, इतने सारे काम बाकी हैं, बर्तन धोना है, कपड़े धोना है और झाड़ू भी मारना है, कहाँ से शुरुआत करूँ। चलो पहले बर्तन धोती हूँ, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ, इतना सारा काम भी है। अरे नहीं, मेरे सर का दर्द बढ़ते चला जा रहा है, चलो मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। चलो अभी से रख देती हूँ, अभी मैं अपने सर पर पट्टी बांध कर सो जाती हूँ, थोड़ी देर आराम करने से शायद अच्छा लगे। और पायल अपने सर पर पट्टी बांध कर सो जाती है। अली मैं कब से बॉल के साथ खेल रही हूँ। अली मम्मा मम्मा क्या कर रही हैं, मम्मा दिख क्यों नहीं रही हैं। ये ऐसे लग रहा है मम्मा की तबीयत खराब है और वो सो गई हैं चलपल पट्टी बांध कर। लेकिन देखो तो सही, बर्तन धोने बाकी हैं, झाड़ू मारना बाकी हैं, और कपड़े तो कितने गंदे लग रहे हैं, इतना सारा काम है, अब मैं क्या कर लूँ। अली चलो मैं ऐसा कर लेती हूँ, मम्मा की मदद कर लेती हूँ काम में, मम्मा तो अभी सो रही हैं, जैसे ही मम्मा उठेंगी तो वो देखेंगी अली सारे काम हो गए हैं, और ये सब काम मैं अच्छे से करूँगी। चलो मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ। अली बापली, बर्तन तो कितने ज़्यादा गंदे लग रहे हैं। चलो जाने दो, कोई भी काम हाथ नहीं होता, एक बार करने बैठो ना तो सब काम हो जाता है, मम्मा के काम में मदद हो जाएंगी। चलो मैं धोना चालू करती हूँ, सबसे पहले मैं भगोना धो लेती हूँ, इसे कितना घिसना पड़ रहा है, ये बर्तन कितना ज़्यादा कलक हो गया है। अरे बाप रे, मैं तो एक ही बर्तन घिस के इतना थक गई हूँ, अभी तो कितने सारे बर्तन धोना है, चलो जल्दी जल्दी धोती हूँ, फिर दूसरे भी काम है। अरे वाह, बर्तन धोने में तो कितना मज़ा आता है, देखो तो सही मेला भगोना कितना ज़्यादा चमक रहा है। अब ऐसे ही मैं सारे बर्तन धो लूँगी एक एक कल के, और सुहाना एक एक करके सारे बर्तन धोने लगती है। मम्मा सही में कितने सारे काम करती हैं, लेकिन कभी थकती नहीं है, और आज मुझे ये काम करके मालूम पड़ रहा है कि ये काम करना कितना हार्ड है। चलो अब जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, अभी तो झाड़ू भी मारना बाकी है, कपड़े भी धोना है। अरे वाह, कितना मज़ा आ रहा है, कितने अच्छे से धोए जा रही हैं ये प्लेट। चलो ये पोला झूठा मैं ये भगोने में डाल लेती हूँ। अरे वाह, देखो तो सही मेरे बर्तन धोना हो गए हैं, बस अभी आखिरी भगोना बाकी है, मैं इसका झूठा कचले के डब्बे में डाल देती हूँ। अरे बाप रे, ये मेरे हाथ से गिर ना जाए, चलो जल्दी से डाल लेती हूँ ये लहा कचले का डब्बा। चलो कचले के डब्बे में डाल देती हूँ, और सुहाना भगोने का झूठा कचरे के डब्बे में डालने लगती है। देखो तो सही, सुहाना कितनी ज़्यादा अच्छी बच्ची हैं, माँ की तबीयत खराब होने पर माँ की मदद कर रही हैं, और कितने अच्छे बर्तन धोए हैं इसने, कितने चमक रहे हैं। अली चलो अब एक ही कल की शाले बर्तन जमा लेती हूँ, चलो जल्दी जल्दी करती हूँ, अभी तो बहुत शाले काम बाकी हैं, और सुहाना एक एक करके सारे बर्तन जमाने लगती हैं। अली वाह, मेरे शाले बर्तन धोना हो गए हैं, देखो तो सही कितने ज़्यादा चमक रहे हैं। अली बापली, कपड़े तो कितने ज़्यादा मैली दिख रहे हैं, मैं कैसे धो, लेकिन जैसे मैंने बर्तन धोए हैं वैसे मैं कपड़े भी धो लूँगी। चल सुहाना, आज तू मम्मा को बता दे कि तुझे सब कुछ काम आता है, बर्तन धोने भी आते हैं और कपड़े धोने भी आते हैं। अरे वाह, साबुन का फेस तो कितने अच्छे से हो गया है, चलो फटाफट इसके अंदर कपड़े डालती हूँ। अरे बाप रे, ये कपड़ा कितना ज़्यादा मैला है, मुझे इसे घस घस के धोना पड़ेगा, चलो मैं इसे भीगने डाल देती हूँ। और सुहाना एक एक करके सारे कपड़े धोने लगती हैं। अरे बाप रे, अभी सारे कपड़े धुल गए हैं, देखो तो सही कितने ज़्यादा चमक रहे हैं, चलो अभी सारे कपड़े में लस्सी पर डाल लेती हूँ। अरे बाप रे, तो कितना ज़्यादा वजन डाल है, चलो उठाती हूँ। अरे मुझे तो लस्सी पर कपड़े डालना है, लेकिन लस्सी तो बहुत ही ज़्यादा उपल है, अब मैं कैसे डालूँ। चलो मैं एक काम करती हूँ, सोफे पर खले लेके डालती हूँ। और सुहाना एक एक करके रस्सी पर कपड़े डालने लगती है। अली ये तो मेरी मम्मा की शाली है, इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मम्मा देखेंगी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। अली वाह, देखो तो सही मैंने कपड़े कितने अच्छे से डाले हैं, चलो अच्छा हुआ कपड़े धोना भी हो गए, अब चलो बस झाड़ू मारना बाकी है, वो भी फटाफट मार लेती हूँ। देखो तो सही घर में कितनी घान पली है, अब चलो फटाफट झाड़ू भी मार लेती हूँ।
घर में कितनी ज्यादा घान हो जाती है, ये सब घान मैं ही करती हूँ। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई, मम्मा तो लोग से काम करती हैं, पुलिस ही झाड़ू ले गई है, फटाफट मार लेती हूँ मम्मा उठ ना जाए। कितनी ज्यादा मेहनत लगती है झाड़ू मारने में, मैं कब से मार रही हूँ। अरे ये तो बर्तन धोने की साबुन है, ये भी फेंकने में चले जा रही है, चलो इसे उठा लेती हूँ। अभी सूपे में कचरा भर लेती हूँ, चलो कचरा इसके अंदर डाल लेती हूँ। अरे वाह देखो तो सही, अब कितना अच्छा लग रहा है घर। अरे वाह मैंने पूरा काम कर लिया है, कपड़े भी कितने अच्छे से सूख रहे हैं, अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, चलो जब तक सोफे पर बैठ जाती हूँ। ये सुहाना कितनी अच्छी बच्ची है, इतनी छोटी सी है लेकिन माँ की मदद करती है काम में, कितने अच्छे से सब काम किए हैं, बर्तन धो लिए हैं, कपड़े धो लिए हैं और घर की झाड़ू भी मार दी है, अब तो घर कितना चकाचक लग रहा है। चलो उठ जाती हूँ, कब से सो रही हूँ, अब चलो मुझे अच्छा लग रहा है आराम करे बाद, मुझे तो इतने सारे काम पड़े हैं। सुहाना, अरे सुहाना तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? अरे मैं ये क्या देख रही हूँ, ये कैसे क्या हो सकता है, चलो देखती हूँ। ये बर्तन तो इतने ज्यादा चमक रहे हैं, बर्तन धो दिए और घर की झाड़ू भी मारी हुई लग रही है, और वो क्या रस्सी पर इतने सारे कपड़े भी सूख रहे हैं, ये सब कैसे क्या हो सकता है। अरे ये कुर्ता तो कितना खराब था, और ये मेरी साड़ी ये इतनी ज्यादा चमक रही है, ये कपड़े इतने अच्छे किसने धोया, घर के सारे काम हो गए हैं, ये कैसे क्या हो सकता है। सुहाना सुहाना कि तुमने काम किए हैं? अली हाँ मम्मा, मैंने देखा आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है इसलिए मैंने सारे काम कर लिए हैं। क्या क्या सुहाना, ये सब काम तुमने किए हैं? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा है, तुमने इतने साफ कपड़े धोए हैं, इतने साफ बर्तन धोए हैं और इतनी अच्छी से झाड़ू मारी है। अरे सुहाना तुम सोच भी नहीं सकती हो, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है मेरी मदद करके, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं इतना सारा काम नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अकेले इतना सारा काम किया। इतनी छोटी तो हो तुम सुहाना, मेरी प्यारी बेटी आ जाओ मेरे पास, तुमने आज मम्मा की मदद करके बहुत बड़ा काम किया है। अली मम्मा आपकी तबीयत खराब थी, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका काम कर लूँ, जब आपकी तबीयत खराब हो तो आप मेरी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही हैं। अरे वाह ये दोनों माँ बेटी की प्यार को देख के मेरे आंखों में तो आंसू आ गए। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।